हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ जब मेरा ये वीडियो ऑन एयर आएगा तब तक आपको बहुत सारे वीडियोस के थ्रू ये गुड न्यूज़ मिल चुका होगा जो मैं अब बताने जा रही हूँ अपने वीडियो में। तो मेरा कुछ वेदर की वजह से एंड कुछ एक्सीडेंट की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई एंड अपलोड नहीं कर पाई। आज का जो मेरा वीडियो है वो साउथ एशिया जो ओपन हुआ है सारी कंट्रीज के साथ विदाउट क्वारंटीन, उसके रिगार्डिंग है। तो अगर आप इस चैनल को देखने के लिए नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए। एंड अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, जो कि बहुत सारे व्यूअर्स वेट कर रहे थे कि कब विदाउट क्वारंटीन साउथ एशिया खुल जाएगा, कब ओपन हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो मेरा वीडियो है वो साउथ एशिया के पूरे साउथ एशिया के एक एक कंट्री के बारे में मैं आपको अपडेट दूंगी। बट मेरा जो अभी फर्स्ट वीडियो है वो थाईलैंड थाईलैंड के रिगार्डिंग है, क्योंकि बहुत टाइम से थाईलैंड ओपन तो है बट उसमें जो होटल बुकिंग करना था आपको SHA++ का, आपको एक दिन का जो होटल बुकिंग के साथ आप वहाँ विजिट कर सकते थे। एंड देन उसके बाद आप टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद, टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद आप वहाँ से जहाँ भी आप चाहें आप मूव कर सकते थे। लेकिन वो जो कॉस्ट था एक दिन का होटल का वो कोई चीप नहीं था, वो अराउंड 4,600 भात, यानी कि आपका इंडियन करेंसी में 12,000 के करीब ये आपका अमाउंट बनता है जो एक दिन का आपको होटल का पे करना था, जिसमें टेस्ट एंड गो, जिसमें आपके सारे टेस्ट होंगे एंड फिफ्थ डे आपका वो एंटीजन टेस्ट जो है उसकी रिपोर्ट जो है अपलोड भी करनी पड़ेगी। तो ये एक दिन का चार्जेस था जिसमें आपका ब्रेकफास्ट डिनर और आपकी मर्जी है, जब टेस्ट की रिपोर्ट आए आप वहाँ से मूव कर सकते हैं किसी भी जगह जाने के लिए अगर नेगेटिव रिपोर्ट है तो। तो अब जो थाईलैंड ओपन हुआ है आप खुद ही सुनिए जो मैं आपको न्यूज़ दिखाने जा रही हूँ एंड उसी से आपको पता चल जाएगा कि 1 मई से अब थाईलैंड में कोई क्वारंटीन एक दिन का नहीं है। लेकिन थाई पास अभी भी आपको होना, आपके पास थाई पास अप्लाई करना पड़ेगा जिसके कोई चार्जेस नहीं है। एंड थाई पास में आपको अपनी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस जो कि कम हुआ है फिर भी अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए रुकना है तो $20,000 का आपको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए। तो मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में भी मैं आपको आगे इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगी। आपको ऐसा कौन सा मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए होता है कि अगर आप कंबोडिया उसके बाद कोलैब कर रहे हैं या वियतनाम या बाली को आप कर रहे हैं, इंडोनेशिया तो लाउस को कर रहे हैं, कौन सी भी कंट्री को उसके बाद विजिट कर रहे हैं, तो कौन सा एक इंश्योरेंस ऐसा है जिसको आपको बार बार कंट्री चेंज करने के बाद वो वैलिड रहता है और कितने टाइम का आपको कराना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। बट अभी एक गुड न्यूज़ के साथ ये वीडियो में जो मैं आपको दिखा रही हूँ आप खुद ही सुनिए कि वहाँ की न्यूज़ में 1 मई से क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस नए आए हैं। Adjustments to the entry schemes and will be streamlined to support ease of traveling effective on the 1st of May 2022. So, just to repeat, effective on the 1st of May 2022. So, let me give you a general sense. A general sense as the details are being worked out right now. So, in summary, entry into Thailand will be divided into a channel for vaccinated and a channel for unvaccinated travelers. For vaccinated travelers, there will be no more mandatory testing requirement, either RT-PCR or ATK. However, we will still recommend that you self-administer an ATK for your own safety, so that if positive, you can access treatment in the channels we will share with you in due course. This will mean that the various schemes, meaning test and go, or the sandbox schemes, etc., for vaccinated passengers will be reduced to having a vaccine certificate and insurance. Another important announcement is that the Thailand Pass will have to be updated
to support these new measures, so it will be temporarily closed for those planning to travel and arrive in Thailand from the 1st of May onwards. We will announce again when it will reopen onwards. We will announce again when it will reopen, but for those planning to arrive before the 1st of May, you can still access the Thailand Pass as the existing measures are still valid. Again, these measures are to be implemented on the 1st of May. We will be working out specific details and sharing them in due course. So as we तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि अब आपको कोई भी होटल बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, थाई पास में आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल इंश्योरेंस होना ज़रूरी है और अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए 5 डेज का क्वारंटीन पीरियड है, वो भी आ सकते हैं, वो भी विजिट कर सकते हैं और आफ्टर फाइव डेज भी अगर आपकी नेगेटिव रिपोर्ट है तो ही आप वहाँ से एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं, अदरवाइज जो है आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा, नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप हॉस्टल में भी रह सकते हैं, अगर आप बैंकॉक उतर रहे हैं, आप बैंकॉक विजिट कर रहे हैं तो आप हॉस्टल भी बुक कर सकते हैं, बहुत ही चीप हॉस्टल्स हैं वहाँ पे बैंकॉक में, 400 to 500 रुपीज़ में हॉस्टल्स हैं। और अभी जो है ऑन इमिग्रेशन पे बहुत सारी टाइट सिक्योरिटी है, जिसमें आपसे करेंसी भी पूछा जाएगा कि आपके पास कितना करेंसी है, क्यों क्यों पूछा जाएगा, उसके रीज़न भी है, क्योंकि आज भी थाई करेंसी थोड़ी सी थोड़ा सा ऊपर है। मैं आपको बता दूं, थाई करेंसी का 100 रुपीज़ जो है इंडियन का 127 अराउंड 130 रुपीज़ वहाँ के 100 रुपीज़ है। इसलिए अच्छे से अच्छे जो लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है उनसे भी पूछा जा रहा है कि थाईलैंड विजिट करने के लिए आपके पास कितनी करेंसी है, तो उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आप यहाँ से इंडिया से भी थाई करेंसी में चेंज करवा सकते हैं, अदरवाइज आप यूएसडी कैरी कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में आपको यूएसडी कैरी करना चाहिए, यूएसडी जो होता है वो कहीं पे भी चेंज हो जाता है, बाकी करेंसीज भी चेंज हो जाती है, बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप यूएसडी कैरी कीजिए। आप किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं तो यूएसडी को ईजिली आप कन्वर्ट करा सकते हैं वहाँ की करेंसी में, और जब आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो वो करेंसी आपके काम नहीं आएगी, तो जितना आपको चाहिए आप वो यूएसडी को कैरी कीजिए और आपको जितना चेंज करवाना है आप चेंज करवा लीजिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और दूसरा, आपके पास जब आप ऑन एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट जाने की साथ साथ रिटर्न फ्लाइट टिकट, आपकी अकोमोडेशन की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट जो कि थाईलैंड में अब नहीं चाहिए लेकिन बाकी कंट्रीज़ में आज भी चाहिए, साउथ एशियन कंट्रीज़ में जहाँ पे नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट चाहिए, लेकिन क्वारंटीन का कोई प्रोसीजर अब नहीं है। आप विदाउट क्वारंटीन कहीं पर भी, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत सारे लाखों लोग जो हैं इंडिया से ट्रैवल करते हैं या किसी भी कंट्री से ट्रैवल करते हैं, मोस्टली साउथ एशिया को एक्सप्लोर करने के लिए, और ये साउथ एशिया एक्सप्लोर करने के लिए जैसे कि एक नेगेटिव न्यूज़ है लोगों के माइंड में कि सिर्फ मेल ही जाते हैं और थोड़ी सा नेगेटिव न्यूज़ की मसाज के लिए जाते हैं या ऐसा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी फीमेल हैं, सोलो ट्रैवलर्स हैं, बहुत सारी फीमेल हैं जो साउथ एशिया एक्सप्लोर करती हैं, और साउथ एशिया रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई गरीब कंट्री है या वो डेवलप्ड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब तक जाकर विजिट नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा, और मोस्टली मैं फीमेल को प्रेफर करूँगी, फीमेल जो अभी तक नहीं गई हैं, जिनको लगता है कि थाईलैंड सिर्फ मेल ही जाते हैं इस चीज़ के लिए और फीमेल को नहीं जाना चाहिए, ये एक स्त्री प्रधान देश है जो कि ये सारे के सारे देश फीमेल प्रधान है और फीमेल ही चला रही है। आप मोस्टली आप देखेंगे मेल आपको काम करते नहीं, फीमेल आपको इन कंट्रीज में काम करती दिखेगी, तो उससे एक मोटिवेशन भी मिलता है एंड आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। जब बहुत ही एक सुंदर कंट्री है तो उसको एक्सप्लोर करने जरूर जाना चाहिए, और मोस्टली शॉपिंग के लिए बहुत फेमस है, और मेल के लिए नहीं, फीमेल मसाज कराने खुद भी जा सकती है। तो एक फीमेल जब एक बार विजिट करेगी तो उसको पता चलेगा कि
यहाँ पर सिर्फ मेल के लिए कुछ नहीं है, फीमेल के लिए भी बहुत कुछ है। और बहुत अच्छी सुंदर कंट्रीज में रहकर लॉन्ग टर्म ट्रेवल करने के लिए मैं आपको टिप दूंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं अपने साथ कैरी करना चाहिए, जो कि खास तौर पे वेजिटेरियन है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो सर्वाइव कर सकते हैं। वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं और बहुत सारी ऐसी डिशेस होती हैं आपको लोकल, जो आप अगर अच्छे से समझाएंगे तो वेजिटेबल के साथ आपको स्टीम राइस के साथ खाने के लिए मिल जाती है। बट कुछ लोकेशन ऐसी होती है जहाँ पे आपको सी फूड या नॉन वेज ही मिलेगा और आप वेज नहीं खा सकते हैं। तो आप कुछ अपने इंडिया से कुछ ना कुछ कैरी कर सकते हैं, जैसे सूप के पैकेट्स हो गए आपके, नूडल के पैकेट्स हो गए आपका, कॉफी हो गया, टी बैग हो गए, ड्राइड मिल्क हो गया आपका, और पिकल हो गया, या ब्रेड के साथ अभी कुछ खाना है तो ब्रेड जैम हो गया, ब्रेड बटर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर मिल जाती हैं। ऐसी भी आपके कुछ स्नैक्स हो गए, इंडियन स्नैक्स जो है आप जरूर कैरी कीजिए, जो स्पेशली जो वेजिटेरियन है उनके लिए बता रही हूँ। पीनट्स हैं या वो है, मैं भी फुली वेजिटेरियन हूँ, बट ऐसा बहुत सारी लोकेशन पे जाके अगर आपको वेज फूड नहीं मिलता है तो आप इनसे एटलीस्ट आप सर्वाइव कर सकते हैं। और ये उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, जो शॉर्ट स्टे के लिए जा रहे हैं वो भी मैं उनको भी बोलूंगी कि वो थोड़ा सा बहुत कैरी कीजिए अगर आप फुली वेजिटेरियन है। बट फीमेल को मैं जो अब तक आज तक जिन्होंने नहीं ट्रैवल किया है वो साउथ एशिया इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सपेंसिव नहीं है इतना, आप अच्छे से आप काउच सर्फिंग के थ्रू भी आप जा सकते हैं, लेकिन सेफ्टी पर्पज से अगर आपको लगता है आपने पहले कभी की है तो आप जा सकते हैं, काउच सर्फिंग भी है। और बाकी अलग अलग कंट्रीज के बारे में मैं आपको बताऊंगी, नहीं तो आप हॉस्टल में प्रेफर करूंगी जिनको एकदम फुल फ्रीडम चाहिए कि कोई बाउंडेशन, कोई ये नहीं चाहिए कि किसी के घर में आप उनको खुश रखने के लिए, होता ना कि आप किसी के यहाँ रहने जा रहे हो तो उनके लिए कुछ करो, उनको उनके लिए स्पेशली कुछ करो, उनके साथ एक्सप्लोर करो, वो भी अच्छा है। अगर आप किसी लोकल के साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो बेस्ट है, उनको पता होगा कि चीप से चीप फूड या जगह एक अच्छे से वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो काउ सर्फिंग के थ्रू भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, और अगर आप उनके काउ सर्फिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप हॉस्टल में प्रेफर करूंगी, आप हॉस्टल ले सकते हैं 400 to 500 में। बहुत सारे हॉस्टल्स मिल जाते हैं जिसमें वन टाइम का फूड नहीं होता बट कॉफी अनलिमिटेड होती है, कॉफी आप ले सकते हैं। किसी जगह शायद वन टाइम का फूड होगा, वन टाइम का फूड भी है, यस मैंने अलग अलग जगह हॉस्टल्स में सोलो ट्रैवलिंग की है, वन टाइम का फूड में ब्रेड जैम या ब्रेड बटर आपको ऐसा मिल जाता है टी के साथ या कॉफी के साथ। और कई जगह जो है सिर्फ कॉफी आप अनलिमिटेड होता है, फ्री आप कहीं भी ले सकते हैं। एंड केटल आपको मिल जाता है या किचन आपको मिल जाता है, आपने नूडल बनाना है या कुछ भी बनाना है या आपको सूप बनाना है आप बना सकते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी वो थाईलैंड के बारे में थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे साउथ एशिया की दूसरी कंट्रीज के बारे में डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड देखते रहिए ट्रेवल विद सिमरन।